ब्लॉगर्स के बिग बॉस के पार्ट टू के लिए तुम लोगों ने इतने सारे कमेंट किए कि मैंने अपना पूरा का पूरा प्लान बना लिया था कि भाई मैं इस नाले के अंदर फिर से अपना मुंह दूंगा और तुम्हारे लिए सेकंड पार्ट बनाऊंगा। बट देन गाइस, कुछ अनएक्सपेक्टेड हुआ। Amazon Prime ने 2020 को सबसे गंदा साल बनाने के लिए अपना परमाणु बम कुल्ली नंबर 1 रिलीज कर दिया। तुम्हारा भाई हो गया कंफ्यूज कि अब मैं क्या करूं ब्रो, मैं तुम्हारे टिकटॉक के इस बिग बॉस का सेकंड पार्ट लेके आऊं या फिर कुल्ली नंबर 1 नाम की बीमारी की दवाई ढूंढ के निकालूं। और अभी तुम लोग को थंबनेल से मालूम पड़ गया होगा कि हम लोग कौन से कैंसर के अंदर अपना मुंह देने वाले हैं। तो क्या फिर टिकटॉकर्स के बिग बॉस का पार्ट 2 नहीं आएगा? अरे आएगा ब्रो, क्यों नहीं आएगा? मैंने वादा किया ना तुम लोग को, आएगा आएगा, डोंट वरी। मैंने जितने भी पार्ट 2 के वादे किए मैं पूरे करता हूं। बस तुम लोग नोटिफिकेशन बेल ऑन कर दो, कर नोटिफिकेशन बेल ऑन कर, फटाफट कर, ऑन कर साले, ऑन कर। कर दिया, दैट्स लाइक नाइस कॉमन, यू नो आई लव यू टू, मजा आया। मगर उससे इंपॉर्टेंट चीज, बहन के लड़ो क्या पिक्चर बना दी है तुम लोगों ने? क्या है ये भाई? ये कुल्ली नंबर 1 पिक्चर इंसानों के लिए नहीं है भाई, ये गधों के लिए, और गधे भी इससे ऑफेंड हो जाएंगे कि भाई ये क्या पोलो ड्रॉप बना दिया पिक्चर के नाम पे। Amazon Prime से मुझे वैसे भी बहुत उम्मीदें कम रहती है, बिकॉज इन लोगों ने 4 मोर शॉर्ट्स के 2 सीजन बना रखे हैं। हाँ मुझे पता है इन लोगों ने मिर्जापुरी बनाया, बट गाइस इंपॉर्टेंट चीज ये कि इन लोगों ने 4 मोर शॉर्ट बना रखा है, और जो इंसान 4 मोर शॉर्ट बना सकता है वो कुछ भी कर सकता है। वो किम जोंग उन है, सड़कों पर सुसु करते हुए। भाई साहब, कुल्ली नंबर 1 एक बहुत ही ज्यादा अच्छी मूवी है। अगर आपके पत्नी के घर वाले आपको दहेज देने से मना कर रहे हो और आपको ने तड़पा के मारना है, तो ये बेस्ट ऑप्शन है। इसको देख के वेंचर मैं घर बाहर भेज के वो लोग तुम्हें दहेज देंगे, बट दहेज पक्का देंगे दोस्तों। मैंने सिर्फ 40 मिनट देखा इस खरगोश की टट्टी को। मुझे पता है कि मुझे पूरी की पूरी 2 घंटे की मूवी देखनी थी कि मैं ये वीडियो बना लूं, बट फिर मैंने सोचा कि माँ की चूत यार वीडियो की, मुझे मरना मरना नहीं है, मुझे मेरी जिंदगी प्यारी है, मुझे शादी वादी करने, बच्चे बच्चे करने, मेरे भी सपने विजय की तरह। मगर वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं तुम्हें एक एप्लीकेशन के बारे में बताना चाहूंगा जो कि बहुत डोप एज़ फक है। इस एप्लीकेशन का नाम है फोर्ज़ी, और सबसे बड़ी चीज ये कि ये मेड इन इंडिया है, और ये एप्लीकेशन इतनी मस्त है कि भाई इसके अंदर आर्टिकल्स, पॉडकास्ट, वीडियो सब एक जगह के ऊपर मिलते हैं। मतलब सिर्फ तुम्हें अपना इंटरेस्ट सेलेक्ट करना है कि भाई तुम्हें कौन से सब्जेक्ट पसंद है, और फिर तुम उनको चूज कर लोगे, और फिर तुम्हें उसी बेस के आर्टिकल्स, पॉडकास्ट और वीडियोस मिलेंगे। जैसे यहाँ पर देखो मेरे फेवरेट सलमान खान का आया हुआ है आर्टिकल। इसके अंदर तुम लोग कस्टमाइज कर सकते हो अपनी खुद की प्यारी प्यारी थीम्स, मतलब तुम अपना एप्लीकेशन ढंग से कस्टमाइज कर सकते हो, और यहाँ पर वैरायटी ऑफ टॉपिक्स है जो कि तुम लोग सेलेक्ट कर सकते हो, और फिर इस एप्लीकेशन के अंदर वही आएंगे जो तुम लोगों ने सेलेक्ट। दूसरी एप्लीकेशन के अंदर क्या होता है कि भाई रैंडम चीजें आती रहती है, बट यहाँ पर जो तुम सेलेक्ट करोगे वही आएगा, तो इट्स डोप एज़ फक। और ये एप्लीकेशन पॉलिटिकली बिल्कुल ही अनबाइज्ड है, मतलब तुम्हें बिल्कुल ही सही चीजें मिलेगी यहाँ पर, और यहाँ पर एड्स भी नहीं आते, तो बहुत ज्यादा सही है। तो लेटेस्ट न्यूज देखो, ट्रेंडिंग वीडियोस देखो, और पॉडकास्ट सुनो इस बढ़िया सी एप्लीकेशन के ऊपर जो कि मेड इन इंडिया है। तुम्हें लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन के अंदर, जाके चेक करो उसे, डाउनलोड करो इस एप्लीकेशन को, और मजा लो इस एप्लीकेशन, मजा आए। तो कुल मिला के गोविंदा की कुल्ली की रिमेक है, तो मान के चलो की पूरी मूवी की स्टोरी सेम होगी। डेविड धवन ने भाई सब थोड़ा सा भी सोचा कि भाई मैं 2020 में पिक्चर बना रहा हूं, अगर मैं रिमेक करूं तो कुछ चीजें बदल देता हूं, मैं अच्छा कर देता हूं इस पिक्चर के अंदर। मगर नहीं ब्रो, अगर मैं अच्छा कर दूंगा तो तुम खून के आंसू कैसे रोओगे? उसका तो इंतजाम करना है मुझे। जब लॉकडाउन खत्म हो जाएगा तो सबसे पहले आप किससे मिलोगे? वरुण धवन इस पिक्चर के अंदर बने राजू। राजू मेरा नाम। और भाई साहब, इस राजू को देखने के बाद तुम अपने दिल के ऊपर हाथ रखोगे और छोटा भीम के माइटी राजू को कहोगे कि भाई यार मुझे माफ कर दे, मैंने तुझे इतनी सारी गालत दी, मुझे माफ कर दे भाई, तू भोसड़ी का नहीं है भाई, मैं भोसड़ी का हूँ। तू इस दुनिया का सबसे घटिया राजू है ही नहीं भाई, माना कि तू लंगोट पे अंत है, मगर भाई तुझसे भी गंदा राजू ये वरुण धवन है। हाँ, वो तो है। राजू के पास पहले एक माँ थी जिसके साथ वो बहुत खुश रहा करता था, बट एक दिन क्या हुआ कि माँ ने उसे रैंडमली रेलवे स्टेशन में छोड़ दिया। अब तुम लोग को लग रहा होगा कि भाई कितना सैड सीन है यार, मम्मी ने गलती से छोड़ दिया अपने बच्चे को। नहीं, अगर तुम्हारा बच्चा हेंचो वरुण धवन हो, राजू तक कुल्ली हो, तो भाई तुम लोग जहर खिला के मारने की कोशिश करोगे इसे। डायलॉग सुने तुम लोगों ने इसके? सुनो, मैं आपको आपके क्या बुला रहा हूँ, और आप सीधा तू पे आ गए, अगर मैं तू पे आ गया ना आपकी थूथू हो जाएगी। तो भाई इसकी मम्मी ने तो फिर भी इसको स्टेशन पर छोड़ा, हम्बल लेडी है वो। वरुण धवन राजू द कुल्ली एक अनाथ बच्चा है, उसकी माँ वा तो है नहीं, तो अनाथ ही है भाई, और अब वो कुल्ली बन चुका है, तो जाहिर सी बात है कि भाई उसने पढ़ाई वढ़ाई तो की नहीं होगी, मम्मी है नहीं तो कैसे करेगा पढ़ाई। फिर भी साला ये फटाफट इंग्लिश बोल रहा है भाई ये कुल्ली के ड्रेस में। बिकॉज आई एम हाईली ट्रेन टू ट्रेन दोज हु थिंक दैट दे आर ट्रेन, वेदर दे आर इन फ्रंट ऑफ द ट्रेन और बिहाइंड द ट्रेन, बिकॉज आई फाइट ऑफ द ट्रेन, बाय द ट्रेन, फॉर द ट्रेन, वो देख ट्रेन। चड्ढा समझाओ इसे, समझाओ इस पेशे को भड़वागिरी कहते। और एक सीन आता है इस मूवी के अंदर जहाँ पर एक बंदा होता है, वो एक बुड्ढे कुल्ली के ऊपर सामान रख देता है, कहता है कि भाई तू सामान लेके चल मेरा, तो बुड्ढा कुल्ली कहता है कि भाई मुझसे नहीं उठ रहा यार, तू एक और किसी बंदे को हायर कर ले, मेरे से ना हो रहा। अरे बस करो साहब, और नहीं उठा पाई, आप एक दूसरा कुल्ली भी कर लो ना साथ में साहब, हराम के पैसे आते हैं क्या, उठा चल। अरे अरे नहीं साहब। तो इससे हो गया वरुण धवन ऑफेंड, और भाई वरुण धवन जो कूट रहा है इन लोग को 2020 के अंदर, इस बंदे को और इसकी सारी सारी गैंग की गांड तोड़ देता है भाई वरुण धवन। और फिर
फिर 2020 के अंदर हमारा जो राजू का कुल्ली है वो भाई साहब रेलवे स्टेशन के ऊपर खड़ा है ऐसे, सारी सारी रेलवे उसने बंद कर दी, जैसे किसी को तो कुछ काम होगा नहीं ट्रेन से, अभी तो राजू कुल्ली का राज है। और फिर राजू कुल्ली और उसके आवारा दोस्त भाई साहब सारे सारे रेलवे स्टेशन के ऊपर नाच रहे हैं पागलों की तरह। ट्रेन के ऊपर सारा अली खान के बड़े बड़े पोस्टर लगा के हमारा राजू दा कुल्ली साथ में नाच रहा है उसके। और डेविड धवन चाहता है कि हम इन सारी सारी बकचोदी के ऊपर विश्वास करें। डेविड अंकल जब आप अपनी पिक्चर निकालते हो ना, रिलीज करते हो ना पिक्चरों को, तो उसके साथ में ना ऐसे 10 किलो गांजा अपनी ऑडियंस को दिया करो कि हम लोग विश्वास कर सके आपकी पिक्चरों के ऊपर। और जब आपकी पिक्चरों में वरुण धवन हो ना, तो मेरे को तो एलएसडी चाहिए। मुझसे ना होगा वेंचर बिना एलएसडी के। और एक सीन तो भाई साहब कसम से इतना भड़वा सीन है भाई कि तुम लोग देख के ना इतना क्रिंज फील करोगे उस सीन को। तो क्या होता है, एक बच्चा रैंडमली रेलवे ट्रैक के ऊपर बैठा रहता है, वहां पर अपने कैप्टन अमेरिका से खेल रहा है, और अभी वहां से ट्रेन आ रही है, यहां पर बच्चा अकेला बैठा, अब क्या होगा आगे, बस गैस कर लो, समझ जाओगे क्या होने वाला है। अकेले 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 हमें एक्चुअली विश्वास करना पड़ेगा दोस्तों इस चीज के ऊपर। यहाँ पर हमें विश्वास करना पड़ेगा कि कैसे वरुण धवन ने टाइम स्लो कर दिया सिर्फ अपने लिए, मतलब सब कुछ तेज चल रहा है बट वरुण धवन ने टाइम अपने लिए स्लो कर दिया है और फिर वो बच्चे को बचा लेता है। हम लोग को विश्वास करना पड़ेगा दोस्तों, क्योंकि हम लोग तो सही। पूरी पिक्चर में भाई साहब वरुण धवन अपनी पूरी छाती का जोर लगा रहा है गोविंदा बनने की कोशिश करने के लिए, और भाई इतना गंदा कर रहा है, भाई इतना गंदा कर रहा है, किसी ने बता दिया होता ऐसे कि भाई नहीं होना तुझसे, प्लीज मत कर भगवान के लिए, फिर भी एक चूतिया किया जा रहा है भाई। एक सीन तो इतना लेजेंडरी भाई, डेविड धवन का दिमाग जो है ना बहुत तेज स्पीड में चला। यहाँ पर क्या हुआ कि भाई साहब हमारे जो वरुण धवन है गोविंदा की एक्टिंग करने के लिए इतना डेडिकेशन में आ गए कि वो ना सब कुछ भूल जाते हैं और सारा अली खान की फोटो को देखते देखते रेलवे ट्रैक के पास चले जाते हैं। अभी फिर से यहाँ से एक ट्रेन आ रही है, एक तो साले इस मूवी के ट्रेन ड्राइवर भाई साहब कौन सा नशा कर रहे हैं, सबको मार पीट रहे हैं, मतलब भगाते जा रहे हैं ट्रेन को। अबे एक्चुअली भाई सलमान भाई, भाई सलमान भाई, ओ माय गॉड मेरे सलमान भाई, मैंने सोचा क्यों नहीं भैनचोद, कैसा फैन हूँ मैं, अपने भाई की चीजों को समझ क्यों नहीं पाया मैं। गाइस तुम लोग समझे, उस ट्रेन के अंदर सलमान भाई है भाई, वो हम लोग को वरुण धवन से बचाने के लिए उसे कुचल के मारना चाहते हैं, वो भी ट्रेन के अंदर बैठ के। अरे भाई यार, अब गाइस प्लीज कमेंट के अंदर लिखना कि सलमान भाई और रॉकस्टार, बिकॉज यार मैं रो जाऊंगा यार। मैं भी रोती अगर यह वरुण धवन सच्ची में मर जाता, मगर इस बूढ़े कुली ने बचा लिया, काश यह सलाह उस बोझ के नीचे दबके मर गया होता। राजू बस हाँ, अभी राजू खेल खेल, अभी ओवर एक्टिंग मत कर, खेल। नहीं जावेद सर, वो ओवर एक्टिंग करना तो उसका बर्थ राइट है, वो कैसे छोड़ देगा ये, यही तो सबसे बड़ी कला है इसके अंदर। और इसके बाद आती है सारा अली खान। सारा अली खान का इस पिक्चर के अंदर इतना योगदान है जितना की म्यूजिक इंडस्ट्री में टोनी खक्कर का, मतलब बिल्कुल नहीं। शोना शोना डेविड अंकल, आपने सारा अली खान को इतने पैसे दे दिए, उससे अच्छा तो भाई साहब जो बड़े बड़े पोस्टर लगाए थे ट्रेन के ऊपर आपने सारा अली खान के, उन्हीं को यूज कर लिया होता। वाहियात गधे की टट्टी है ये पिक्चर, मतलब इतने अच्छे अच्छे एक्टर भाई साहब, परेश रावल, राजपाल यादव और जावेद जफरी ऐसे एक्टर भाई, इन लोगों का कुछ भी ढंग से इस्तेमाल नहीं किया गया है भाई। राजपाल यादव को तो इन लोगों ने ऐसा बना के रख दिया कि एक तोतला बंदा है वो, और जब जब वो तोतली बातें करता है तब हमें उसके ऊपर हंसना है, वही कॉमेडी है। इन द कंक्लूजन मैं कहूंगा कि भाई तुम लोग भले ही फेम हाउस के बचे हुए एपिसोड देख लो, मगर ये सड़ा अमरुद बिल्कुल मत देखो, और इन फ्यूचर मेरे को एक्टिंग करनी है, और अगर तुम लोग को फिर भी देखनी तो जाके मरो सालो देखो। वैसे भी तुम लोग सब्सक्राइब करोगे इस चैनल को, बहुत गंदा लगता है मुझे, वीडियो अच्छे लगते सब्सक्राइब क्या करो प्लीज यार, और नोटिफिकेशन बेल भी ऑन कर दो, बिकॉज बहुत जल्द बहुत अच्छे वीडियो आने वाले इस चैनल के ऊपर, तो सब्सक्राइब करो, नोटिफिकेशन बेल ऑन करो, मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करो @commandersco_raj, और मैं टोपी इसलिए पहन रहा हूं क्योंकि मेरे बाल थोड़े छोटे हैं, अभी बड़े होने दो, उसके बाद लड़का टोपी नहीं पहनेगा, हाँ ठीक है। और गाइस 4G को डाउनलोड करना मत भूलना, एक बहुत ही बेहतरीन एप्लीकेशन जो कि मेड इन इंडिया, एंड यू विल लव इट, सो लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर जाके चेक कर। मैं मिलूंगा तुमसे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन नमस्कार यू ऑसम पीपल, बाय। कि तू स्वीट अपने काल अपनी कार बजाया अरिजीत ऑन रिपीट फॉर एन आवर, फिर बोली लेट मी स्लीप अब बजा ले तू लमार, तूने ही कहा कि बेबी जाने दे रे बी आई एम नॉट फ्री, तूने ही तो कहा कि बेबी जाने दे रे बी।